to all of you. Very good morning. आज थर्ड जो सीरीज़ है साइंस की उसमें पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस के बारे में हम बात करेंगे ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डेफ़िनेटली एक क्वेश्चन इससे बनता है क्योंकि आर्ट्स uh, स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉलीमर्स को इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं बट uh, ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है क्योंकि ईजी क्वेश्चन अगर आता है तो आर्ट्स स्टूडेंट्स को भी ट्राई करना चाहिए और जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं उनको भी ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि पॉलीमर्स एंड देयर यूजेज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा बिकॉज ये स्पेशली एन और आर से लेकर बनाया गया होल uh, uh, जो टॉपिक है वो बनाया गया है सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को लाइक like कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिससे जो हमारी पूरी टीम है वो इसको और ज़्यादा और ज़्यादा चैनल में जो कोर्सेज uh, चल रहे हैं उनको बना सके एंथजियाटिक uh, रहे सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ सबसे पहली बात होती है पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस में कि पॉलीमर क्या होता है पॉलीमर्स का जो डेफिनेशन है उसमें पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मर मीन्स होता है यूनिट मैनी यूनिट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा होता है इनका हाई मोलिकुलर मास होता है इनको मैक्रो मोलिकुल्स भी कहा जा सकता है तो अपने तीन पॉइंट बनते हैं इसमें पॉलीमर्स के बारे में आई थिंक ये क्लियर होगा क्योंकि ये बहुत ईजी पॉइंट uh, है पॉलीमराइजेशन क्या होता है सेकेंड क्वेश्चन बनता है जब हम पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करते हैं मोनोमर से पॉली मतलब बहुत सारी जो यूनिट है वो पॉली होती है और एक ही यूनिट हो उसको बोलते हैं मोनोमर एक यूनिट से बहुत सारी यूनिट्स अगर बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है ओके okay. तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें हमें इनके फॉर्मूले वॉमुले याद करने की ज़रूरत नहीं है बस हमें ये पता ना होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इथीन की बात करते हैं तो इथिन को जब हम पॉलमराइजेशन करते हैं तो वो पॉलीथीन बन जाता है सी एस टू सी एस टू और एन यहाँ पे एन देखिए और यहाँ पे एन देखिए जब हमने खूब सारे मोनोमर्स को पॉलमराइजेशन किया तो वो एक पॉली ए की मॉलिक्यूल जो खूब सारी उसकी एक लंबी ब्रांच बन गई है दैट इज़ पॉलमराइजेशन नाइलॉन सिक्स सिक्स भी पॉलिमराइजेशन से बनता है जिसमें एडिपिक एसिड होता है और हेक्सा मिथाइलिन डाईमीन होता है क्वेश्चन आ सकता है कि हेक्सा मिथाइल डाई अमीन प्लस एडिपिक एसिड से कौन सा प्रोडक्ट बनता है डैट इज नायलॉन सिक्स सिक्स अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स ये लेक्चर अराउंड हाफ एन आवर हो सकता है तो जब आप फ्री हों जब भी इस लेक्चर को देखें और अगर आप एक बार इस लेक्चर को देख लेंगे तो पॉलीमर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नाउ पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं सोर्स पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर पर डिपेंड करता है मोड ऑफ पॉलिमराइजेशन पर डिपेंड करता है मॉलिकुलर फोर्सेज पर डिपेंड करता है और पॉलीमराइजेशन पर डिपेंड करता है सबसे फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं अब एक एक को अपन डिस्कस करेंगे सोर्स पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली आर एस ट्वेंटी एटीन में पूछा गया है कि नेचुरल पॉलिमर्स के एग्जांपल दो तीन तरह के पॉलिमर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स नेचुरल पॉलीमर्स सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीन है सेलुलोज है स्टार्च है रेजींस है रबर है अब हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की जिसमें सेलुलोज का डेरिवेटिव होता है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो जाता है सेलुलोज एसोसिएट से नाइट्रेट सिंथेटिक पॉलीमर के काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको पता होगा याद हमें रखना है सिंथेटिक रबर का फॉर्मूला क्या होता है ब्यूना एस सिंथेटिक फाइबर का क्या होता है नाइलॉन सिक्स सिक्स और प्लास्टिक होती है पॉलीथीन अब सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स पे जिसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीनियर एक ब्रांच और एक क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं लीनियर पॉलीमर का एग्जाम डायग्राम आप देख रहे हैं लीनियर होती है ब्रांच में ब्रांचेज निकली हुई हैं ये जो ऐसे निकली हुई है और क्रॉस लिंक कभी यहाँ से बन रहा है कभी यहाँ से स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्रॉस लिंक होता है इसमें बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं लीनियर पॉलीमर की हाई डेंसिटी होती है और बैन है ये लीनियर पॉलीमर जो है ब्रांच पॉलीमर की लो डेंसिटी होती है और इसको तोड़ा जा सकता है अच्छे से क्योंकि इसमें ब्रांचेस होती हैं तो केमिकल्स लगा के इसको तोड़ा जा सकता है इसलिए ये बैन नहीं ये बैन है इसका एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड है क्रॉस लिंक के दो एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट और मेलालाइन बेकेलाइट बहुत ज़्यादा एक तरह आप कह सकते हो कि इसको बेकेलाइट जो है उसको आप तोड़ सकते हो आराम से बिकॉज इसमें और भी ज़्यादा लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है तो उसके कारण टूटा जा सकता है ये नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था पॉलीमराइजेशन क्या होता है रिएक्शन के बेस्ड पे कि क्या सिर्फ एक ही पॉली पॉलीमर बन रहा है या उसके प्रोडक्ट्स क्या है वाटर मिल रहा है या हमें इस, इसके साथ या फिर किस तरह से है तो उसके बेसिस पे एक एडिशन और एक कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन पॉलिमर्स एडिशन पॉलिमर्स दो तरह के होते हैं होमोपोलीमर्स एंड कोपोलिमर्स अभी मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब होता है एंड सेकेंड होता है कंडेंसेशन पॉलिमर्स अब हम एडिशन पॉलीमर्स में पढ़ते हैं क्या होता है दे आर फाउंड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ द मोनोमर्स मोनोमर्स तो होंगे मॉलिकल्स पोजिसंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है क्योंकि उसी को ही तोड़ा जाता है जिसके कारण ये पॉलीमर्स बनते हैं होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या अंतर है लेट्स सी इट होमोपॉलीमर सेम टू सेम फॉर एग्जाम्पल सी एस टू सी एस टू पॉलीथीन सिंगल मोनोमर यूनिट लिया आपने डैट इज़ इथिन और उससे आपने पॉलीथीन बना दिया तो होमो होगा को पॉलीमर में आपने दो प्रोडक्ट्स लिए वन थ्री ब्यूटा एंड स्टाइरिन उससे आपने ब्यूना एस बना लिया ओके तो अब आप देखते हैं ब्यूना एस को देख लें आप तो ब्यूना एस किससे बनाए दो को पॉलीमर्स ले कर ओके इनमें कोई बाई प्रोडक्ट्स नहीं है पर कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है इसमें बाय प्रोडक्ट्स हमेशा निकलते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ एक यही है कि इनमें एच टू ओ वाटर एल्कोहल एच सी एल निकलता है नायलॉन सिक्स सिक्स का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं वहाँ पर एच टू ओ आप उस डे उस डेरी जो रिएक्शन हो रही है उसमें आपको दिखेगा और आ, बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल मोनोबर्स हो सकते हैं कोई बाई फंक्शनल है कोई ट्राई फंक्शनल है इस तरह से चलता है तो सबसे बड़ा डिफरेंस मोनो पॉलिमराजेशन में यही है कि क्या इसमें वाटर जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा है क्या एच सी एल बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं तो वो कंडेंसेशन है बाई प्रोडक्ट्स नहीं निकल रहे हैं तो वो एडिशन पॉलिमर है अब बात करते हैं मॉलिकुलर फोर्सेस की जिससे आपसे एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछा जा सकता है इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं फाइबर्स कौन से होते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है थर्मोसेटिंग क्या होता है तो अपन पढ़ लेते हैं इनको भी सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलास्टोमर्स इलास्टोमर्स का एक एग्ज़ाम्पल का ये एन से लिया गया है डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा इलास्टोमर्स के अपन को क्या याद रखने पड़ेंगे अपन को याद रखने के पड़ेंगे एग्जाम्पल सबसे पहले ब्यूना एस जैसे मैंने बता दिया ब्यूना एन एंड न्योप्रीन इन तीनों को याद रखना पड़ेगा एज अ इलास्टोमर्ट सिंटैथिक इलास्टोमर्स हैं डीज आर रबड़ लाइक सॉलिड्स विद इलास्ट इलास्टिक प्रॉपर्टीज मतलब रबड़ जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं जब भी इलास्टोमर्स कह रहे हैं रबर्स लाइक -like लग रहा है ना इससे तो इलास्टोमर्स हैं क्रॉस लिंक्स डेफिनेटली हैं हेल्प द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट इट्स ओरिजिनल पोजिशन काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ सकता है सकते कि वाई द रबर गेट इट्स ओरिजिनल पोजिशन वो रीज़न यही होता है कि इसमें क्रॉस लिंक्स होते हैं ओके okay? तो इलास्टोमर्स में क्रॉस लिंक्स होते हैं डैट्स वाई आ, ये रबर के होते हैं और ब्यूनाइ ब्यूनाइन एंड न्योप्रीन इसके एग्ज़ाम्पल हैं अब फाइबर की बात करते हैं सिंथेटिक फ़ाइबर की अभी अपन आगे बात करके आए नायलॉन सिक्स सिक्स इसका एग्जाम्पल है अमाइड्स जो होते हैं ना पॉली अमाइड्स अमाइड्स का पॉली मतलब काफ़ी सारे अमाइड्स एक साथ मिलकर जो होते हैं वो फाइबर्स बनाते हैं पॉलिसटर्स टेलरिन जिसके अपन छाते बनाते हैं वो जो होते हैं वो फाइबर्स होते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है फाइबर में बिकॉज और हाई मॉडुलस इनका होता है ओके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इनकी हाइड्रोजन या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं जिसके कारण क्लोज पैकिंग के कारण ये क्रिस्टलाइन नेचर अपना रखते हैं फाइबर्स तो हमें इसके एग्जाम्पल्स याद है थर्मल प्लास्टिक के हमें याद रखना है पॉलीथीन पॉलिसटाइरिन और पॉलीविनाइल इसके एग्जाम्पल्स हैं और इलेक्ंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो इलास्टोमर्स और फाइबर की बीच की है ओके okay. और थर्मोप्लास्टिक को अगर आप चाहोगे तो वो कूल cool भी हो सकती है थर्मोसेटिंग्स बेकेलाइट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग्स का बिकॉज अगर ये एक बार टूट गए तो दोबारा यूज़ नहीं होंगे क्योंकि क्रॉस लिंक इसमें अपन यूज़ कर रहे हैं इसलिए कैन नॉट बी री यूज यूरिया फॉर्मेलडेआइड भी एक एग्जाम्पल है अगर आप याद रख सके पर बेकेलाइट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा क्रॉस लिंकड एंड हैविलीली ब्रांच मॉरिक्यूल्स विच ऑन हीटिंग अंडर गो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग्स ओके सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पॉलमराइजेशन दो ही हमने पढ़े हैं एक तो एडिशन पढ़ा है एक कंडेंसेशन पढ़ा है okay, ओके तो एडिशन में क्या है एडिशन में जो रिएक्शन uh, होता है वो किस किस बेसिस पे होता है या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे होता है अपन को इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाना है कि किस तरह से होता है बट ये याद रखना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है वो ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से होता है एडिशन के एग्जाम्पल पॉलीथीन है टेफलॉन है और पॉली है दो इम्पॉर्टेंट है पॉलीथीन और टैफलॉन और कंडेंसेशन में पॉलीअमाइड्स ईस्टर्स फिनॉयल फॉर्मेल डिहाइड मेलामाइन फार्मेल डिहाइड ये कंडेंसेशन के प्रोसेस है बिकॉज इसमें अपन को कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट मिलता है ओके अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बिकॉज फ्री रेडिकल चेन प्रोपोगेटिंग इनसे ही प्रोडक्ट्स बनते हैं बट हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हम देख लेते हैं उनके यूजेस देख लेते हैं सबसे पहला हम पढ़ते हैं पॉलीथीन पॉलीथीन दो तरह की होती है एक लो डेंसिटी पॉलीथीन एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो लीनियर होती है सबसे पहले ये याद रखना है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच्ड होती है ओके लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो मैथ एथ इथीन को अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर याद रख सके तो बहुत अच्छा है बट इसका कैटलिस्ट आपको याद रखना है डाई ऑक्सीजन पेरोक्साइड है क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये लिखा हुआ है ओके okay, तो आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन मिल जाती है पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट uh, है डेट इस जिगलर नाटा कैटलिस्ट है उसको आपको याद रखना है जिगलर नाटा बिकॉज इस पर नोबल प्राइज़ मिल चुका है ओके okay, तो इससे भी आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिल जाती है लीनियर मॉलिक्यूल्स हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्लोज पैकिंग केमिकली इनर्ट एंड सीधी सी बात है हाई डेंसिटी होगी तो क्लोज पैकिंग होगी केमिकली इनर्ट होगी बॉटल्स डस्टबिन पाइप्स, इनके लिए आपका ये काम आएगा तो पॉलिथीन हो चुका है नेक्स्ट चलते हैं अब अपन टेफलॉन पे टेफ्लॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेफलॉन को पढ़ते हैं टेफलॉन के लिए पॉली टेट्राफ्लोरोथीन टेफ्लॉन बोलते हैं डायरेक्टली तो पूछा नहीं जाएगा बट टेफ्लॉन को आपको याद रखना कि फ्लोरो से रिलेटेड है तो अगर अपन मैथ एथ अगर एन सी एफ़ टू सी एफ़ टू को मिक्स कर देते अमोनियम पैरॉक्साइड आपको यहाँ पे याद रखना है तो आपको टेफ्लॉन मिल जाता है टेफ्लॉन के वो क्या है यूजेज सबसे मेन चीज़ वही है एक तो टेफ्लॉन केमिकली इनर्ट है एसिड टैंक्स कुकर सील एंड आयरन हैंडल जो बनते हैं वो टेफ्लॉन के बनते हैं लीनियर होता है एडिशन रिएक्शन होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ठीक है और सबसे ज़्यादा ये पिघलता नहीं है फिर है नॉन कंडक्टर होता है और होमोपोलिमर होता है ये ओके पॉली नाइट्राइल जो थर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्राइल है तो सी से रिलेटेड है ये इस तरह से याद रखना है डाय ये पूरी इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना है अपन को और इसका पॉली नाइट्राइल का यूज़ क्या है स्टेन्स में यूज़ होता है केमिकल्स में यूज़ आता है इंसेक्ट्स एंड फंगाई की रेजिस्टेंस uh, के लिए ये यूज आता है वूल का भी एक ये सब्स्टिट्यूट है एक्राइल नाइट्राइल फाइबर है ना इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिपीटेटिव कंडेंसेशन करते हैं यहाँ पे वाटर और अल्कोहल मिलती है स्टेप ग्रोथ फॉर्मेशन होती है जो हमें रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं बस याद रहना चाहिए कि कैसे होती है रेन रेन बहुत इंपॉर्टेंट है रेन की आपको ये पता होना चाहिए रेन किससे बनता है आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है सेलुलोज को लेते हैं और सी एस टू सल्फर को लेके कर रेन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस के ओ एच एन ओ एच इस रिएक्शन को याद रखना है कि आर्टिफिशियल सिल्क सी एस टू प्लस के ओ एच एन ओ एच प्लस सेलुलोज को मिल बनता है ओके okay. अमाइड्स की बात आती है पॉलीअमाइड्स पॉलीअमाइड्स में देखिए नायलॉन सिक्स सिक्स और नायलॉन सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये और एच टू होता है ब्रांचड होते हैं ओके अमाइड लिंकेज होता है एन से रिलेटेड अमाइड लिंकेज होता है एन एच टू सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पहले ही बता चुकी हूँ मैं प्रिपेशन ऑफ नायलॉन होती है किस किस के काम आती है नायलॉन सिक्स सिक्स नायलॉन सिक्स सिक्स आपकी काम आ जाती है रोप्स में काम आ जाती है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स फाइबर की तरह काम आती है टाइक्रॉड्स फाइबर रोप इनके लिए ये मेनली काम आती है ओके इसमें नायलॉन सिक्स का ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्रोलैक्टम इस वर्ड को याद रखना कैप्रोलैक्टम नाइन नायलॉन सिक्स में पोलीअमाइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाय चांस फॉर एग्जांपल आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर द पोलीअमाइड्स तो उसमें उसका आंसर कैप्रोलैक्टम होगा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पोली ईस्टर्स भी आर्टिफिशियल ज़्यादा से आधे से ज़्यादा सब होते हैं क्योंकि अपन इनको बना रहे हैं इसलिए आर्टिफिशियल है कोपॉलीमर है ये बायोडिग्रेडेबल है पोली बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंड कंडेंसेशन रिएक्शन होती है अपन को याद रखना है पॉलीस्टर्स के दो एग्जांपल्स याद रखना है डेकरॉन और टेरालीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है डेकरॉन इज अ पॉलिस्टर यस डेक्रॉन कैसे बनता है इथैलिन ग्लाइकॉल और एसिडिक एसिड acid. एक तो ग्लाइकॉल होता है और एक एसिडिक टेराफिथैलिक एसिड होता है जिससे डेकरोन और टेरालिथीन बन जाती है कॉटन और फूल फाइबर की ब्लेंडिंग में काम आता है इसलिए डेकरॉन को वर्ड को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्लास री एन्फोर्समेंट मटीरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स एक्सेट्रा भी ये काम आता है आगे चलते हैं नेक्स्ट है फिनॉल फॉर्मेलिटी हाइड पॉर्मल इज़ बेकेलाइट वर्ड बेकेलाइट हमें याद रखना है बेकेलाइट एक बार टूट जाए तो उसको यूज़ नहीं कर सकते नोवेलिक जो होता है नोवेलिक वर्ड हमें याद रखना है नोवेलिक को अगर हम हीट करते हैं तो हमें बेकेलाइट मिलता है ओके बेकेलाइट किसके काम आता है जैसे कंगा हो गया रिकॉर्ड्स हो गए स्विच हो गया हैंडल्स हो गए इनके काम आता है पेजेंस एसिड और बेस कैटेलिस्ट की होनी चाहिए फिनॉल और फॉर्मेलिटी से नोवेलिक बनता है ये वर्ड हमें याद रखना है मेलामाइन फॉर्मेल्टीहाइट पॉलीमर मेलामाइन फॉर्मेलिटी पॉलीमर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे चलते हैं अब है मेलामाइन पॉलीमर का बस आपको ये याद रखना है पॉटरी के लिए मतलब जो अपन वो बनाते हैं उनके लिए मेलामाइन पॉलीमर यूज़ होता है को पॉलिमराइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है नेचुरल रबड़ नेचुरल रबर अगर खुद हो तो उसकी जो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है पर उसमें क्या मिलाया जाता है उसमें पाँच परसेंट सल्फर मिलाया जाता है तो जो नेचुरल रबर है वो सिंथेटिक रबर में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी इलास्टिसिटी फ्लैक्बिलिटी खूब हो जाती है टेम्परेचर हाई होना चाहिए सल्फ़र होना चाहिए इस सल्फर को याद रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर नेचुरल रबड़ वर्कनाइजेशन रबड़ बोलते हैं जिसको वर्कनाइज इस तरह से होता है ओके okay? बात करते हैं ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं न्योप्रीन ब्यूना एन ब्यूना एस ये सारे नेचुरल रबड़ नहीं है सिंथेटिक रब्बड़ है इनके वर्ड्स याद रखना ऑयल सील्स टैंक के लिए यूज होता है ब्यूना एन ओके अब है मॉलिकुलर मास ऑफ ए पॉलीमर कैसे निकाल सकते हो चेन का एवरेज करके निकाल सकते हो डिटर्माइन फिजिकल और केमिकल मेथड्स भी होते हैं एवरेज निकलेगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पी एच बी वी याद रखना है ये एनसीईआरटी से लिया गया है पॉली एंड हाइड्रोब्यूट्राइट को एन हाइड्रोक्सी पॉलोरेट पी एच बी वी याद रखना बाकी डिपेंड करता है कि पेपर कितना हार्ड और कितना ईजी बनता है ओके okay, अब हम पॉलीमर्स का कुछ पॉलीमर्स का कॉमर्शियल यूज ले लेते हैं ये डायरेक्ट एन सी आर टी से लिया गया है तो पॉलीप्रोपीन अपन को प्रोपीन का अगर पॉली कर दें तो अपन को पॉलीमर मिल जाता है पॉलीप्रोपीन रोप्स के लिए फाइबर्स के लिए यूज़ होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलीस्टायरीन और पीवीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीवीसी आर्टिफिशियल होता है और वाटर यूज़ मतलब इसमें वाटर नहीं निकलता है इन द बाई प्रोडक्ट और ये कोट्स के लिए और हैंड बैग्स के लिए यूज़ होता है पी वी सी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल अपन जो कोट वोट पहनते हैं उनके लिए पी वी सी यूज़ होता है पॉलीस्टायरीन इंसुलेटर स्टाइरन है इंसुलेटर के लिए काम आता है मैनुफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़ के लिए भी काम आता है टेलीविजन केबल्स ये भी इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट मैंने आपको पहले भी बताया फिनॉल और फॉर्मेलिटी हाइट का नोवेलिक बनता है नोवेलिक के बाद बेकेलाइट बनता है हाई टेम्परेचर पे कॉम्स में यूज़ होता है स्विचेस में यूज़ होता है यूटेंसिल डिस्क आयरन हैंडल में यूज होता है एक ग्लिप्टल भी एक अलग सा वर्ड है ग्लिप्टल किससे होता है ग्लाइकॉल हमेशा एक ग्लाइकॉल होगा और एक एसिड होगा ग्लाइकॉल एंड एसिड पिथैलिक एसिड है जो पेंट्स के लिए यूज़ होता है ग्लिप्टल भी आपको याद रखना है यूरिया फॉर्मेलिटी का आपको ये याद रखना है कि कप वप बनाते हैं उसके लिए यूरिया फॉर्मेलिटी यूज़ होता है ओके सो दैट्स इट ओके तो थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इस लेक्चर को इतनी देर तक सुना कोई भी इशू इस पॉलमज एंड देयर यूजेस में आपको आता है तो आप बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे डैट इज़ गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच कि इतनी देर तक आपने इस लेक्चर को सुना डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा हैव अ ग्रेट डे नमस्कार